Good evening guys again, and in general chemistry section today we are going to start a new topic of radioactivity. ठीक है, आज हम लोग जो है रेडियो एक्टिविटी का एक नया टॉपिक जो है शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है, रेडियो एक्टिविटी. ओके, सभी आ गए, आ जाओ जल्दी से. तो रेडियो एक्टिव, देखिए केमिस्ट्री में मैंने जैसा बताया था कि बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास बोला था, बहुत ज़्यादा उसमें डीपली जो है हम लोग को जाने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ती है. उसी सेक्शन में अगर कुछ टॉपिक्स को बड़े अच्छी तरीके से तैयार कर ले तो हमारे क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से फंस जाते हैं. ठीक है, उसी में से एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि हम लोग एटम्स पे बात कर रहे थे, न्यूक्लियस पे बात कर रहे थे, और न्यूक्लियस में जो है उसी से रिलेटेड जो है हम लोगों ने जो उसमें बताया था कि दो तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फिजन होता है. और इसी के सेक्शन में जो है ऑटोमेटिकली जो है हमारे दिमाग में एक वर्ड आ जाता है रेडियो एक्टिविटी के बारे में. तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है. व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है सबसे पहले की हुई थी आपके हेनरी बेकुरल नाम के एक साइंटिस्ट ने, जो कि फ्रांस से कॉलरेट करते थे, फ्रांस में रहते थे. ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक प्रयोग किया, एक इन्वेंशन किया इसके लिए, यू कैन से अ टेस्टिंग की उन्होंने. ठीक है, और टेस्टिंग में उन्होंने क्या किया कि एक यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया. ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया. ठीक है, और इधर क्या किया, एक प्लेट लगा दी. इधर क्या किया, एक प्लेट लगा दी. इधर की प्लेट जो है ये निगेटिव चार्ज कर दिया. ठीक है, और इधर का क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया. ये पॉजिटिव चार्ज कर दिया. ठीक है, तो रेडियो एक्टिव के जो आपको मालूम है न्यूक्लियर से क्या होता है, नाभिक से क्या होता है कि कुछ जो है वेव्स निकलती रहती हैं, कुछ किरणें निकलती रहती हैं, रेस निकलती हैं. इनमें से कुछ रेस जो हैं वो जा करके इस साइड मुड़ गई, इसमें से कुछ जाके इधर मुड़ गई, कुछ जा करके जो है इधर मुड़ गई जा करके, और इनमें से कुछ जो थी वो जा करके सीधे चली गई ऊपर. तो इससे जो है उन्होंने ये आइडिया लगाया कि इससे जो निकलने वाली किरणें हैं वो अल्फा बीटा और गामा है. अल्फा बीटा और गामा रेस हैं. ये तीन प्रकार की जो है किरणें उन्होंने बताई. अब देखिए अल्फा रेस जो है, चूँकि उसमें क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है. बीटा चार्ज क्या होता है, ये निगेटिव थी तो ये पॉजिटिव की तरफ हो गई. और गामा में जो है कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, तो ये सीधे सीधे ऊपर निकल गई. ठीक है, तो दीज आर नोन एज अल्फा रेस, दीज आर नोन एज बीटा रेस, एंड दीज आर नोन एज गामा रेस. ठीक है, इसके बाद में जो है और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें. मैडम क्यूरी ने क्या किया, और उसके बाद में उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी का क्या योगदान रहा, फिर अल्फा बीटा की जो है क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं कि जब इससे एक यूनिट निकलता है, रिलीज होता है, तो क्या क्या होता है, बीटा से निकलता तो क्या होता है, गामा में क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बाद में हाफ एज क्या है, ये सारी पैटर्न्स पे हम लोग बात करेंगे आज. ठीक है,
तो टॉपिक वाइज टॉपिक पॉइंट वाइज पॉइंट इसको लिखते भी चलते हैं, साथ में एक्सप्लेन भी करते चलते हैं, ठीक है। हाँ मैं अभी बताओ, इतना आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इतना समझ में आ गया? यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपके मन में नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप पहले बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बातें क्लियर हो जाए। पहले इसको आप जो है एक बार बना लीजिए फटाफट। सबसे पहले उसको आप जो है एक बार बना लीजिए, फिर उसके बाद इस पे बात करना शुरू करते हैं। शुरू करें, नोट बना लिया? चलिए शुरू बनाइए फटाफट। शुरू करें, चलिए पहला पॉइंट मेंशन करते, हाँ पहला पॉइंट मेंशन करते हुए बात करेंगे। चलिए सबका हो गया, चलो चलिए पहला पॉइंट लिखिएगा। तो सबसे ठीक है, सबसे पहले नहीं खोल दो, ऑन कर दो उसको, रेडी। सबसे पहले बात आता है कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, पहले मन में। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं, पहला पॉइंट लिखिएगा, नोट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। रेडियो एक्टिविटी इज द क्वालिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, रेडियो एक्टिविटी इज द क्वालिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूस द अल्फा बीटा एंड गामा रेज, विच प्रोड्यूस द अल्फा बीटा एंड गामा रेज फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। यानी अल्फा, यानी कि रेडियो एक्टिव उस पदार्थ को कहते हैं जो अपने नाभिक से अल्फा बीटा और गामा रेज को निकालता है। और ये जो रेस निकलती हैं, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, स्पॉन्टेनस होता है, यानी कि कभी भी हो सकता है, यानी नेक्स्ट टाइम कभी निकलेगी आप ये कह सकते हैं कि परमानेंटली रिलीज करते रहते हैं। और ये नहीं कह सकते इसके नाभिक में कब जो है विघटन होगा या कब जो है टकराव आएगा, कब ये रेस निकलेंगे, इसको कोई काउंट नहीं कर सकता है कि ये नेक्स्ट टाइम पर क्या, कब इसका प्रेडिक्शन कब होगा कि कब निकलेगी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकुरल, डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल अ फ्रेंच साइंटिस्ट तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेनरी बेकुरल का संबंध कौन से देश से था, तो देन यू कैन आंसर, फ्रांस से बिलोंग करते थे,
और इन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कवर किया था। अब आप इसको इन्वेंट क्यों नहीं कर सकते हो? इन्वेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को प्रयोगशाला में बनाना। जैसे जैसे बल्ब है, बल्ब खुदाई में थोड़ी निकला था, पंखा खुदाई में थोड़ी निकला था, बनाया गया था। वैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल बनाए नहीं जाते हैं, वो ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं। तो वो डिस्कवर है, इन्वेंशन नहीं है, ठीक है। उसको ढूंढा गया, वो तो पहले से उससे जो रेस निकालते थे, ठीक है। वो तो अचानक से उनके मन में ख्याल आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए जो है। क्यों करना चाहिए था? इसलिए था क्योंकि जैसे रेडियम की बात करें अगर, तो रेडियम का एक देखिए होता क्या है कि अधिकतर जितने भी हमारे सामने जो इन्वेंशंस हैं ना, ये गलती से हो गए, उनके देख करके इसके बारे में किसी का कोई आइडिया नहीं था। अगर मैं एडिशन का एग्जांपल ले लें, जस्ट मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो पहले। अब जैसे बात करें एडिशन की बात करें, तो एडिशन ने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जो है कोई जो है बल्ब बनाना है, ठीक है। उन्होंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उनको ये लगा कि मुझे ऐसी चीज़ बनानी है, डिस्कवर करनी है जो सूर्य का जो है ऑप्शन हो, रात में भी हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। तो क्या उसके पहले क्या कैंडल लाइट्स नहीं थी? बिल्कुल थी। दिमाग में एक सोच थी कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है। ऐसे रेडियम की खोज, वो तो एक्सीडेंटली हुई, एक्सीडेंटली। मैडम क्यूरी जो हैं जहाँ पे कबाड़ वगैरह रखती थी, ठीक है, वहाँ पे जो है कुछ सामान लेने के लिए पहुँची, तो चूंकि वो प्लूटोनियम थोरियम वगैरह पे पहले से काम कर रही थी काफ़ी ज़्यादा, वो उनके हस्बैंड दोनों साइंटिस्ट थे और दोनों को जो है दो दो बार जो है मिल चुका, फिजिक्स का भी मिला हुआ नोबेल प्राइज़, केमिस्ट्री का भी मिला हुआ नोबेल प्राइज़, पहले पर्सन है। नहीं, बेटिंग नहीं मिला हुआ, हस्बैंड और वाइफ को मिला हुआ है। तो अब जब वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने देखा कि एक सब्सटेंस रखा हुआ जिससे ऑटोमेटिकली जो रेस निकल रही है, जिसको देख करके चौंकी। हालांकि उसमें उनको उसका नाम नहीं पता था, इसका नाम रेडियम है, हाँ, रेस निकली। और वो रेडियम दिखता नहीं है आपको? रेडियम की लाइट आपने देखा नहीं कि घड़ी, जो घड़ी के डायल पे डायल जो रात चमकता है, रिमोट कंट्रोल जो रात चमकता है, तो वो क्या है? उस पर रेडियम ही तो लगा रहता है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि रेडियम जो है उससे, उन्होंने रेडियम नाम नहीं रखा उस टाइम पे, बस हाँ कोई रेस निकल रही उससे। अब बाद में एक्सीडेंटली उसकी खोज हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सीडेंटली हैं सर। ये रेडियोएक्टिव होता है ना, तो वो घड़ी में अगर देखो उसका जो होता है बहुत ज़्यादा जो है छोटा पार्ट ये कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको जो है कंसाइज करके लगाया जाता है, ठीक है, कंसाइज करके उसका यूज़ किया जाता है। रेडियो एक्टिव, देखो रेडियो एक्टिव में देखो तीन तरीके की किरणें होती है, आगे पढ़ोगे आप, थोड़ा सा टाइम लो, अल्फा बीटा और गामा। तो जिसमें गामा रेस निकलती हैं, जैसे कोबाल्ट है और यूरेनियम है, ये खतरनाक होता है। और जिसमें अल्फा होता है या बीटा, बीटा भी एक बार खतरनाक होता है क्योंकि इसकी जो चाल है कई बार जो है लाइट की स्पीड के बराबर होती है, और इसकी जो है लाइट की स्पीड के बराबर होती है। अल्फा रेस जो जिसमें जो है निकल रही होती हैं, वो चीज़ें जो होती हैं उतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती हैं, इसलिए जो है उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, ठीक है, होती है। नहीं ऐसा नहीं कह सकते हो कंडीशन पे, उसको जब किया जाएगा लाया जाता सबके सामने जो है, तो कई प्रकार के टेस्टिंग रेस वो चमकती हैं, मतलब किसी माध्यम को सोर्स लेकर के जो है चमकना जो है शुरू करती हैं, मतलब इस ये कह सकते हैं आप जो है इस प्रकार का। हाँ एक ही कलर का ग्रीन। चलिए अच्छा टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वॉज इन्वेंटेड बाई 1934 इन 1934 बाई मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी एंड
पियरे क्यूरी, तो ये यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन जो है आपसे टकराएंगे कि जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी थी उसे किसने ढूंढा, तो देन यू विल आंसर दैट मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी, इसी के लिए इनको ज्वाइंट रूप से जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ था केमिस्ट्री का। हाँ दो, नहीं इनको नहीं मिला था, मैडम क्यूरी को फिजिक्स का केमिस्ट्री का दोनों को मिला था, इनको केवल केमिस्ट्री का मिला था क्योंकि इनका फिजिक्स में योगदान नहीं था। मैं किसकी कौन सी मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी एंड इट्स पियरे क्यूरी, सिंपल मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रेडियो एक्टिविटी इज काउंटेड बाय, रेडियो एक्टिविटी इज काउंटेड बाय, इज काउंटेड बाय काउंटेड बाय जीएम काउंटर, काउंटेड बाय जीएम काउंटर, काउंट माना काउंटर ने काउंट करना, जीएम, जीएम फुल फॉर्म होता है ग्रेगर मुलर, यस इट इज स्टैंड फॉर ग्रेगर, एम फॉर मुलर, ग्रेगर मुलर काउंटर, मतलब आप कह सकते हैं कि इसको नापने के लिए, इसको मापने के लिए कि कितने निकल रही हैं, इसके लिए जिस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं उसका नाम है जीएम काउंटर या ग्रेगर मुलर काउंटर। तो क्वेश्चन यह बनता है कि रेडियो एक्टिविटी को जो है किस माध्यम से नापते हैं, ठीक है, विच इज़ द मीडियम बाय विच वी कैन मेजर रेडियो एक्टिविटी, देन यू कैन आंसर जीएम मुलर यानी ग्रेगर मुलर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है पैटर्न, बेसिक क्वालिटीज क्या हैं अल्फा बीटा और गामा की। आपको मालूम है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल से अगर हम लोग देखो नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे क्या होता है एटॉमिक नंबर और यहाँ पे मास, ये तो सबको पता है। तो होता क्या है कि अगर किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से एक यूनिट यानी एक अल्फा पार्टिकल निकल जाए, एक अल्फा पार्टिकल निकल जाए, तो उसके जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें माइनस टू की कमी आती है, यानी वो दो नंबर पीछे चला जाता है, और उसका जो मास होता है उसमें माइनस फोर यानी चार डिजिट की जो है कमी आ जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, ठीक है। दूसरा बीटा के साथ कंडीशन क्या है, बीटा कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी बीटा में क्या है, ये नंबर हुआ और ये मास हुआ, तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी भी बीटा पार्टिकल से एक किसी भी रेडियो एक्टिव से एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो उस पर माइनस सॉरी प्लस वन जो है ऐड हो जाता है, एक नंबर बढ़ जाता है, लेकिन मास जो होता है ना ये रिमेन रहता है, यानी ये सेम रहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर गामा पे बात करें, गामा पे बात करें तो इसके ना तो मास पे कोई फर्क पड़ना है और ना ही इसके नंबर पे कोई फर्क पड़ना है, यानी ए भी सेम रहेगा और ए भी सेम रहेगा। तो यही से क्वेश्चन बन जाता है कि अगर किसी रेडियो एक्टिव मैटर से एक अल्फा कण निकलेगा तो उसके मास पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आ जाता है प्लस वन प्लस टू माइनस टू, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको आप, इसको अभी हम लोग लिखेंगे जो है डिटेल में लिखिएगा, नहीं अभी और भी चीज़ इस पर है ना, बिन चीज़ें हाँ ये चीज़ ऐसे जनरल बताता हूँ ताकि एक्सप्लेन हो जाए। बीटा में ऊपर सेम रहता है नीचे प्लस वन बढ़ जाता है, अल्फा में ना नीचे फर्क पड़ना है ना ऊपर फर्क पड़ना है। अल्फा में क्या होता है, नंबर जो होता है परमाणु क्रमांक में दो डिजिट पीछे और मास में चार डिजिट पीछे, ये पैटर्न है।
नहीं चार्ज मैंने बताया तो अल्फा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और वो न्यूट्रल चार्ज है, ये तो पहले से पता, वो तो फोटो डेट से हमने पता ही लगा लिया ना, सीधी बात है। चलिए अब पहले हेडिंग लगाइएगा अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल ऐसे इसमें कुछ बातें अभी जो है बची हुई हैं। अल्फा पार्टिकल तो ये तो आपने लिख लिया ना कि दो पार्टिकल कम होगा, ठीक है लिखिएगा, it is low faster than गामा रेस, यानी गामा किरणों से थोड़ी सी कम होती, लो फास्टर कम है उसमें, ठीक है से कम होती है, एंड इट्स वेलोसिटी इज 1/10, टू लाइट स्पीड। आप इसको एक बार समझ लीजिए, इस पे जो है बेसिक तीन पॉइंट बने, अल्फा पार्टिकल में जो है तीन पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट क्या बनता है कि जो एटॉमिक नंबर है उस पे तो टू यूनिट की कमी आएगी और मास में 4 यूनिट की कमी आएगी। दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि इसकी स्पीड जो होती है वो गामा से कम होती है, ठीक है अल्फा की गामा से कम होती है। और तीसरा क्या है कि ये लाइट की स्पीड का 1/10 पार्ट होता है, याद रखिएगा 1/10 पार्ट है, ठीक है। अब लिखिएगा बीटा रेस, ठीक है चलिए लिखिएगा बीटा रेस ओके बीटा रेस, इट इज फास्टर देन अल्फा रेस एंड समटाइम्स, इट इज फास्टर देन अल्फा रेस एंड समटाइम्स इट इज ट्रेवल्ड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज ट्रेवल्ड, मतलब समटाइम्स है हर बार नहीं, समटाइम्स इट इज ट्रेवल टू इक्वल ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्पीड के बराबर जो है ट्रेवल करती है कभी कभी, ठीक है हर टाइम नहीं करेगी याद रखिएगा। एंड इट इज 9/10, इट इज 9/10 टू स्पीड, इट इज 9/10 टू लाइट वेलोसिटी, और प्रकाश का वेग का जो है 9/10 होता है, ठीक है प्रकाश का वेग का 9/10 होता है। अब हम लोग बात करेंगे गामा रेस की, ठीक है लिखिएगा गामा रेस व्हाट हैपेंड भाई क्या हुआ, हाँ हाँ डिस्टर्ब मत करो क्लास भाई है, देखो यू डिस्टर्बेंस क्लास मत करें जो है, बिकॉज यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज और डिसिप्लिन जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है डिसिप्लिन इज द मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है याद रखिए बात को। और केवल जो है बहुत ही कम टाइम के लिए जो है मौका मिलता है, और आपको पता होना चाहिए एग्जाम इज कंडक्टेड बाई UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ये सिंपल सा आपका एक्स या वाई का एग्ज़ाम नहीं है, वो निकल जाता है और ये थोड़ा निकालना डिफिकल्ट होता है। तो जब तक आपके सीरियसनेस आपके जो है कैरेक्टर में नहीं आएगी
तब तक एग्ज़ाम जो है आपको सॉरी बोलता रहेगा, तब तक याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम सॉरी ना बोले आपको और आपका हो जाए सिलेक्शन, तो बी अटेंटिव इन क्लास, क्लास में अटेंटिव रहें, ठीक है। और करना सब कुछ पड़ेगा आप, अगर नहीं है तो आप एक बार सिलेबस उठा के देखें यूपीएससी का क्या है एनडीए का, देन उसके बाद क्लास में बैठें जो है, ठीक है। नहीं उससे मतलब नहीं है कौन क्या है, मींस ये है कि क्लास में अटेंटिव रहिए जो है बेसिकली जो है, क्योंकि अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपसे हम प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा गामा रेस लिखो जल्दी से, ठीक है लिखिए। 9/10 है बीटा का, समटाइम्स मैंने लिखा है ना उसमें, कई बार कुछ केसेस में कभी कभी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा, गामा रेस इज द फास्टेस्ट, गामा रेस इज द फास्टेस्ट रेस एंड इट्स स्पीड वेलोसिटी इज दोनों चीज़ें सेम है, स्पीड वेलोसिटी, या कोई स्पीड लिखना हो स्पीड लिखो, वेलोसिटी लिखो, दोनों चीज़ें सेम है। स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू द लाइट। इसीलिए आपको मालूम है कि जो गामा रेस होती हैं वो 9 सेंटीमीटर मोटी स्टील की दीवार को जो है पार कर सकती हैं, क्योंकि ये लाइट की स्पीड से बराबर से ट्रैवल करती हैं हर पार। 9 सेंटीमीटर मोटी मैं बोल रहा हूँ, आप जनरल स्केल देखें वो 15 सेंटीमीटर का होता है, और 9 सेंटीमीटर मोटी लोहे की जो दीवार है उसको गामा रेस जो है आर पार कर सकती है, पेनेट्रेट कर सकती है, ठीक है याद रखिएगा। इसलिए गामा रेस सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए कैंसर वगैरह का जो इलाज होता है उसमें कोबाल्ट 60 नाम का जो है एक रेडियो एक्टिव यूज़ किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 इसीलिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे निकलती गामा रेस, और गामा रेस के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो जो है जितने भी डेड सेल्स होती हैं सबको जो है नष्ट कर सकती है, खत्म कर। किसको? अब गामा रेस के लिए डॉक्टर्स का काम है, वो तो मेडिकल का सब्जेक्ट है, वो तो कैसे कंट्रोल होगा, ये तो डॉक्टर्स का विषय है। और सब चीज़ों के लिए जो है एक जनरल सा उनके पास उपाय रहता है, सीधे सीधे थोड़ी यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग जो है आपको सभी ने पढ़ा है कि जो है पेंसिलिन हम लोग जो दवा वगैरह यूज़ करते हैं डायरेक्टली थोड़ी यूज़ करते हैं कि सीधे पेड़ से लाए खा लिया भाई, उसको जो है प्योरीफाई करोगे वैसे कोबाल्ट 60 सीधे थोड़ी निकाल लगा देंगे, उसका लेवल कम किया जाता है, किस लेवल पे जो है रेस निकालने, किस लेवल पे नहीं निकालने वो उनके ऊपर है, उनका काम है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ, इसी में है क्योंकि रेडियो एक्टिव बात कर रहे हैं तो उसी के से संबंधित सारी जो टॉपिक है वो बात करेंगे। टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ एनी सब्सटेंस वी यूज कार्बन 14 मेथड, यानी किसी भी वस्तु की एज निकालने के लिए कार्बन 14 मेथड का यूज़ करते हैं। आप किसी भी चीज़ का मतलब यहाँ पे फॉसिल से होता है, ठीक है, यानी जो फॉसिल चीज़ें हैं यानी जीवाश्म जो हैं हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉसिल जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर है या कोई जो है पेड़ वगैरह जो है ज़मीन में दब गया और उसको जो है 50 साल बाद निकाला गया, उसकी एज क्लियर करनी है, तो क्योंकि सबके सारे शरीर के अंदर ये किसका फ़ोन है, चलिए भाई आप जाइए बाहर यहाँ से, बाहर जाइए आप।
हाँ भाई लो तो हम लोग बात कर रहे थे, ये हैं ओवर स्मार्ट जो हैं, दिस इज ओवर स्मार्टनेस, ही इज मच ओवर स्मार्ट देन द टीचर। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो फॉसिल का मतलब देखो क्या है कि सभी के अंदर जो है किसी के सभी के अंदर क्या है कि कार्बन पाया जाता सबके अंदर, ठीक है, सबके शरीर के अंदर। तो वो कार्बन क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है ना, निकलता रहता है, एक्सक्रेट करता रहता है, उत्सर्जित करता रहता है। तो जब वो जमीन पर दब जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक लिमिटेज के बाद में क्या है, कार्बन 14 नाम का जो है मेथड यूज़ करेंगे, और जो कि एक रेडियो एक्टिव मेथड होता है, उसके माध्यम से जो है हम लोग उसकी एज को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। हाँ कार्बन आइसोटोप से, कार्बन आइसोटोप जो है, ठीक है, कार्बन 6, 14, ठीक है, उसका जो आइसोटोप है उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि सबके अंदर कार्बन पाया जाता है। आपको मालूम केमिस्ट्री दो भागों में बटी है, ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक में, ठीक है, तो कार्बन सब में होगा। इस मार्कर भाई जिसको आप जला दोगे, जलाने के बाद राख निकली, काला निकला, काला धुआं निकला, वो कार्बन है। तो सबके अंदर कार्बन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब इसको जैसे मैं गाड़ा दूँ, 100 साल बाद ये निकाला जाए अगर ये डिस्ट्रॉय ना हो तो। तो जब इसकी एज पता की जाएगी किस एज का था ये, तो इसमें जो है कार्बन 14 मेथड का यूज़ करेंगे, और जितने भी चीज हैं कार्बन सब में जलाओगे, काला निकलेगा नहीं निकलेगा, जिसमें काला पन निकलेगा, जिसमें काला धुआं निकलेगा, वो कार्बन है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन के अंदर कार्बन है, बिल्कुल है, जलाने के बाद राख बनती है, काला धुआं निकलता है, कार्बन है, कार्बन का मतलब काली चीज, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ एनी रॉक, टू एज ऑफ एनी रॉक वी यूज यूरेनियम मेथड, वी यूज यूरेनियम मेथड, हम लोग यूरेनियम मेथड का जो है यूज़ करके रॉक्स की जो है एज निकालते हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, आप देखा प्रैक्टिस सेट पर देखें, क्वेश्चन मिलेगा आपको इस टाइप के कि अगर हमें चट्टानों की यानी रॉक्स की अगर एज निकालनी है तो किस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे, तो उस कंडीशन पे हम लोग जो है यूरेनियम रॉक का, यूरेनियम मेथड का जो है यूज़ किया जाता है। और याद रखिएगा यूरेनियम मेथड का प्रयोग करके ही अर्थ की एज भी निकाली जाती है। अगर हमें अर्थ की एज भी निकालनी है कि अर्थ की एज कितनी है, तो साइंटिस्ट इसी मेथड का प्रयोग करते हैं। इसको कहीं साइट पर लिख लीजिएगा, ऑल्सो यूजिंग फॉर डिटरमाइनिंग द अर्थ एज, अर्थ का एज प्रयोग करने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर ट्रीटिंग द कैंसर वी यूज कोबाल्ट 60, यानी कैंसर को अगर ठीक करना है तो हमें कोबाल्ट 60 का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ए भी सब जो है रेडियो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, कोबाल्ट 60 का यूज़ करके हम लोग रेडियो को कैंसर को जो है ठीक कर सकते हैं। अब इसी में जो है कीमोथेरेपी जिसे बोला जाता है, आप कहते हो सरल भाषा में जो कीमोथेरेपी कहते हैं। सर मैंने सुना है कि कैंसर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मारते नहीं, उनको एक मतलब थर्मल एक्सपेरिमेंट देखकर उनको कुछ टाइम के लिए साइलेंट कर दिया जाता है। देखिए होता क्या है कि कैंसर में आपने पता चला होगा कि उसमें स्टेजेस होते हैं, ठीक है, मालूम है नहीं मालूम है, कहते हैं डॉक्टर कह रहे हैं लास्ट स्टेज में चल रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि युवराज सिंह को भी कैंसर हो गया था, ठीक है, हुआ था कि नहीं हुआ था, और बॉलीवुड एक्टर इरफान खान थे उनको भी कैंसर हो गया था। तो अगर शुरुआती तौर पर जो है वो चीज़ डिटरमाइन हो जाती है तो उनको जो है कीमोथेरेपी का यूज़ करके जो है इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। कीमोथेरेपी में जो है कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
तो स्टार्टिंग एज पे, और कैंसर का मतलब होता है कि अंदर धीरे धीरे पूरा सेल्स जो होते हैं शरीर के वो जो है सड़ जाते, खराब हो चुके होते हैं। और हड्डी का कैंसर जो है या ब्लड कैंसर जो होता है, ये इसको तो ट्रीट भी नहीं जो है कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड कैंसर में क्या होगा, केवल आपका ब्लड ही चेंज करना पड़ेगा, बोन्स नहीं चेंज कर देंगे शरीर के अंदर की, ठीक है। तो इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है? इसका मतलब ट्रीटमेंट क्या, मतलब दवा है, आप थोड़ा सा इसमें दवा सकते हैं, कुछ दिन चल सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। अन्य जगहों पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए लीवर कैंसर है, तो लीवर को आप ट्रांसप्लांट करवा दीजिए। तो अगर बचपन से ब्लड कैंसर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कुछ, उसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, इसे ल्यूकीमिया कहते हैं। ब्लड कैंसर को बोला जाता है ल्यूकीमिया, मतलब पक्का 100%, ठीक है। तो अब जैसे हुआ इसमें इरफान खान के साथ में या युवराज सिंह के साथ में, तो स्टार्टिंग एज में पता चल गया, तो उसको जो है उस पार्टिकल को, सेल्स को जो होते हैं जो है इससे जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। रेडियो एक्टिव्स का पावर बड़ा तेज होता है, इसके सामने जो है कोई बैक्टीरिया वायरस जो है ये जो जीवित नहीं रहता है, ये मर जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक्स भी है कि जब कीमोथेरेपी यूज़ किया जाता है तो शरीर के बस्तर के बाल भी गिर जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जब इनकी फ़ोटोज़ अगर आप जो है ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट के देखेंगे तो सर के बाल इनके गायब हो गए, कुछ दिन बाद आ जाते हैं, लेकिन एट द टाइम जो है वो बाल जो है चले जाते हैं। तो ये ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, इसलिए तो ये कंडीशन है। जबकि कोबाल्ट है, आइसोटोप्स है, यूरेनियम जो है, यूरेनियम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है उससे, तो ठीक है। तो जैसा मतलब काम है उस प्रकार से उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ट्रीटिंग फॉर थायरॉयड कैंसर, ट्रीटिंग फॉर थायरॉयड कैंसर, ट्रीटिंग फॉर थायरॉयड कैंसर, वी यूज आयोडीन 131, वी यूज आयोडीन 131, इसके लिए हम आयोडीन 131 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कभी अब आयोडीन को कैसे शो करते हैं, आई से शो करते हैं, कभी कभी जो है I-131 लिखा होता है कि विच रेडियो आइसोटॉप्स इज यूज फॉर ट्रीटिंग थायराइड कैंसर, उस पर ऐसे दिया होता है I-130, तो आई का मतलब यहाँ आयोडीन होता है, आई से स्टैंड करता है उसको जो है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा, For treating the blood clot,